हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी जो ये लाल वाला खड़ा होता है साग, खड़ा साग हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो तो नहीं पता। और जो लाल लाल होता है एक साग, उसको हम लोग खाते हैं। तो उसको मैं कैसे बनाती हूँ, चलिए आपको बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाल वाला खड़ा साग है, इसका पत्ता तो हम नहीं खाएंगे, इसका जो डंठल है वही खाएंगे। तो उसको हम अभी काट के निकालेंगे और आपको दिखाते हैं कि हम कैसे इसको काटते हैं। ये देखिए, ये इसी तरह से हम काटेंगे, थोड़ा सा लंबाई में, जैसे आप सहजन का डांठा काटते हैं इसी तरह से हम इसको काटेंगे। और जो ऊपर में जो लाल लाल छिलका है उसको थोड़ा सा निकाल देंगे, जितना भी हो सके उतना निकालेंगे। और ये थोड़ा सा मोटा है, देख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हम बीच से काट देंगे। इसी तरह से सारे जो डंठा है और इसको सारे को इसी तरह से इसको काट के छिलका निकाल देंगे। और जो थोड़ा सा मीडियम साइज है उसको बीच से नहीं काटेंगे, और जो ज़्यादा मोटा मोटा है उसको बीच से और दो टुकड़ा कर देंगे। देखिए इसी तरह से, ये थोड़ा सा मोटा है तो ये पकेगा नहीं जल्दी, तो इसको बीच से ऐसे काट दे रहे हैं। इसी तरह से हम सारे जो डंठा लिए हैं लाल साग का, इसको सारे को काट लेंगे। ये देखिए, ये है जो जड़ के पास में जो है, थोड़ा सा जड़ का ऊपर वाला पार्ट है, ये डंठा खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट होता है। और आप लोग भी एक बार बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। देखिए ये जड़ भी हम मिलाएंगे, इसको इसी तरह से छील लेंगे उसका सारे जड़ को। ये देखिए, तो इसका छिलका हम निकाल लेंगे। ये देखिए, जड़ भी थोड़ा सा मोटा था तो इसको भी हमने दो टुकड़ा में काटे हैं। तो इसमें हम एक आलू और एक बैंगन मिलाएंगे, इसके साथ बनाएंगे। तो चलिए, काटना हो गया। ये मसाला हम लिए एक प्याज, एक लहसुन और एक इंच अदरक, तो उसको हमने पीस लेंगे। यहाँ पे देखिए, हम सारे मसाला को ग्राइंडिंग कर लेंगे। प्याज को हम लोग, मैं इसीलिए ग्राइंडिंग कर रही हूँ ताकि इसका जो ग्रेवी, अच्छा सा ग्रेवी बन के रेडी हो। तो चलिए, सब्जी को भी थोड़ा सा धो लेते हैं। ये देखिए, सारे सब्जी में हमने धो लिए हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ली हूँ, इस कढ़ाई में ज़्यादा तेल नहीं, 2 चम्मच तेल डालेंगे, सरसों का तेल। आपको अगर सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो तेल गर्म हो गया हम लोग का, यहाँ पे हम 2 सूखा मिर्चा डालेंगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसमें हम पंचफोरन जो होता है, पंचफोरन उसको मिलाएंगे 1 चम्मच। और उसके बाद जो हमने ग्राइंडिंग करके रखे थे मसाला, अदरक लहसुन और प्याज, उसका पेस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे सारे। और उसके बाद हम यहाँ पे ड्राई मसाला पाउडर वाला उसको मिलाएंगे। तो पाउडर वाला मसाला में हम यहाँ पे लिए हैं 1 चम्मच मिर्चा पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और ज़्यादा कुछ मसाला ऐड नहीं करेंगे, इतना कम मसाला में हम आपको बना के दिखाएंगे कि कितना स्वादिष्ट बनता है ये जो खड़ा साग। तो चलिए, ये मसाला हम लोग अच्छे से कस लेंगे। ये देखिए, हम लोग का मसाला
अच्छा से कस गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा कसेंगे, थोड़ा सा देखिए, हम लोग का मसाला रेडी हो गया है। अभी जो काट के रखे थे धो के, बैंगन, आलू और खड़ा, लाल वाला खड़ा सा, देखिए यहाँ पे मैं आलू और बैंगन ऐड कर रही हूँ। और खाली खड़ा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसमें आलू और बैंगन ज़रूर ऐड कीजिएगा, ताकि जब आपका सब्ज़ी बन के रेडी हो तो बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो। तो यहाँ पे देखिए हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं, और हम इसमें ज़्यादा झोल वोल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सेमी थिक ही बनाएंगे, थोड़ा ग्रेवी टाइप बनाएंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे इसी तरह से सब्ज़ी के साथ। उसके बाद इसको ढक्कन लगा के थोड़ा देर सिम में ही पकाएंगे, सिम में ही इसको 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे बाद में। देखिए 10-15 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, देखिए ये कितना अच्छा से पक गया है। आप इसको सिम में ही पकाइएगा, ताकि सिम में पकाने से जितना भी डंठा और आलू सब है अच्छा से पक जाएगा। देखिए यहाँ पे सारे डंठा और आलू सब पक गया है, बैंगन तो जल्दी पक जाता है तो ऐसे भी। तो यहाँ पे हम दो कप या 3 कप ऐसे छोटा कप में उसी हिसाब से पानी डालेंगे, छोटा कप में 3 कप डालेंगे पानी, यहाँ पे ऐड करेंगे। ज़्यादा झोल नहीं बनाएंगे, थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी बनाएंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको आंच को थोड़ा मीडियम कर देंगे, और उसके बाद थोड़ा ढक्कन लगा के और थोड़ा देर पकने देते हैं। ये देखिए हम लोग का सब्ज़ी में बॉयल आ गया है, और इसको हल्का सा थोड़ा चला लेंगे, और हम लोग का बन के रेडी हो गया खड़ा साग। और अभी जो गैस का फ्लेम उसको ऑफ कर देते हैं। तो चलिए अभी देख पा रहे हैं आप लोग, अभी खाना खाते हैं हम। यहाँ पे इसको पकाल भात या वाटर राइस के साथ हम यहाँ पे खा रहे हैं। देखिए आपको दिखा रहे हैं इसको कैसे खाते हैं, ऐसे देखिए या डंटा को आप इसी तरह से लीजिए और अच्छे से चुबाइए, जैसे आपको ड्रम स्टिक या सहजन का जो डंटल खाते हैं उसी तरह से चुबाइए, और उसका जितना भी उसमें रस है उसको निकालिए और उसका आनंद लीजिए। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप लोग भी एक बार बना के खाइए, और सारे जो परिवार के लोग हैं उनको भी खिलाइए। तो देखिए इसी तरह से इसको खाते हैं। और आज का देखिए हम पकाल का पानी भी पी रहे हैं। और अगर आज का रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।